हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले कि आप पाइथन के थ्रू गूगल सर्च कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है गूगल। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो इसके लिए चलेंगे सबसे पहले स्टार्ट पर जाने के बाद हमको यहाँ पर cmd टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर हमें कमांड देनी है pip install google। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगा तो आप देख पाओगे इजीली। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, इसके लिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। इसके बाद चलना है हमको हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल बना के रखी हुई है search.py नाम की। यहाँ पे हम लिखना है कि फ्रॉम गूगल सर्च इम्पोर्ट सर्च। ठीक है, गूगल सर्च ही कहलाता है जो हमारा गूगल मॉड्यूल है। ठीक है, उसमें हमको सर्च करना सर्च फंक्शन, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना इम्पोर्ट सर्च, क्योंकि हमें सर्च फंक्शन जरूरत पड़ेगी कुछ भी सर्च करने के लिए। उसके बाद मैं क्यूरी नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसमें हम अपनी क्यूरी लिखेंगे कि हम गूगल पर क्या सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च करना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग विद प्रियांश। देखते हैं कि यार ये गूगल प्रोग्राम विद प्रियांश सर्च करने पर क्या हमको ऑप्शन देता है। उसके बाद मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा रिजल्ट आएगा कि जो हम क्यूरीज देखने वाले हैं। उसके लिए हम लिखना पड़ेगा यहाँ पे सर्च। अब सर्च के अंदर भी आप देखना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट में हमें पास करनी होती क्यूरी, इसके बाद हमें बताना पड़ता TLD। ठीक, क्यूरी आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको क्यूरी वेरिएबल में पास करो। उसके बाद TLD में हमें लिखना है co.in, क्योंकि हम google.com और .in मीन्स इंडिया के हिसाब से भी सर्च इसको करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसी वजह से लिखा जाता है, आप सीधा को वैसे लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। इसके बाद हम नंबर बताना पड़ता है हमको, नंबर इक्वल, तो नंबर हम ये बताना है कि हम कितने रिजल्ट्स चाहते हैं, मीन्स 5, 10, 20, जितने भी नंबर आप एक साथ देखना चाहते हो। ठीक है, सपोज़ कि आप चाहते हो कि यार शुरुआत में आप सिर्फ दो ही रिजल्ट बताओ, उसके बाद आप फिर 1-2 सेकेंड बाद 4 बताओ 5 बताओ। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लेना। जैसे मैं आप लिख रहा हूँ नम इक्वल 10, स्टॉप इक्वल टू 10। अब ये स्टॉप क्यों लगाया है मैंने, इसके बाद एक पॉज भी लगाऊंगा, तो आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइम दे दूँ 0 अभी, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 1 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसी। तो अभी मैं इसको एक काम, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 5, तो देखना पहले ये मुझे सीधे 5 रिजल्ट देगा, उसके बाद मैं टाइम इसकी बढ़ा देता हूँ पॉज की, इसको 2 सेकेंड कर दें, तो पहले मुझे 5 रिजल्ट देगा, उसके बाद 2 सेकेंड बाद ये मेरे सामने 5 रिजल्ट्स और प्रिंट करेगा। स्टॉप में हमको ये बताना पड़ता है कि हमें टोटल कितने रिजल्ट्स चाहिए हैं, और नम में हमें ये बताना पड़ता है कि हम एक साथ कितने रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं प्रिंट करूं आई को, ठीक है, क्योंकि मैंने रिजल्ट के अंदर हमारी बहुत सारी क्यूरीज आएंगी, तो मैं उनको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखो होगा क्या। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखना, जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन होगा तो हमारे सामने पहले 5 रिजल्ट्स देगा, उसके बाद 2 सेकंड बाद, सॉरी उसने एरर दे दी मुझे, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने रिजल्ट के बाद फंक्शन लगा दिया, मुझे फंक्शन ही लगाना था यहाँ पे। तो जो नम में हम वैल्यू देते हैं वो उतने रिजल्ट्स हमें एक बार में प्रिंट करके देता है। स्टॉप 10 दिया है, मीन्स ये हमें सिर्फ 10 रिजल्ट्स देगा। उसके बाद पोस्ट मैंने 2 दिया है, मीन्स ये सेकेंड में वैल्यू दी है मैंने, तो ये 5 रिजल्ट दिए इसने, इसके बाद ये 2 सेकेंड बाद मुझे 5 रिजल्ट और देगा। देखो इसने मुझे सामने टोटल 10 रिजल्ट दे दिए हैं, ये सब मैंने ऊपर डिफाइन किया था, तो आप देख के समझ गए होंगे कि यार क्या हमें नम में वैल्यू देनी है, क्या स्टॉप में वैल्यू देनी है, और क्या पुश में वैल्यू देनी है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ गूगल में सर्च करूँ प्रोग्राम विद प्रियांश, तो देखो क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आ रहा है, उसके बाद नीचे मेरी एक वीडियो डिजिटल क्लॉक वाली उसका लिंक आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको सबलाइम पे ले चलूँ, तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट में ये मुझे YouTube चैनल का लिंक दे रहा है, सेकंड मेरी एक YouTube वीडियो का लिंक दे रहा है, और थर्ड पे दिया है इसने कोडसेफ, और फोर्थ में भी इसने कोडसेफ ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यार इसमें थर्ड रिजल्ट कौन सा है, इसमें देख पा रहे हो आप कोडसेफ दिया है, फोर्थ में भी इसने कोडसेफ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो जो रिजल्ट उसने 5 नंबर पर सुपर ग्रुप का दिया था, वही इसने यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब ये सीधा गूगल से ही सर्च करके हमको रिजल्ट दे रहा है। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि यार कैसे आप पाइथन के थ्रू गूगल सर्च कर सकते हो, नम में क्यों वैल्यू कितनी वैल्यू दी जाती है, स्टॉप में कितनी वैल्यू दी जाती है, पस में क्या वैल्यू दी जाती है, ये भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, वीडियो को नहीं सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस वीडियो का सोर्स कोड आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।